आज आज बनाना सिखाएंगे कि रोटी पूरे फुलके के साथ कैसे बनाते हैं। ये पहले हमने कुछ आटा ले लिया, इसको गूंथेंगे। इसमें हल्का सा हमने नमक डाल दिया है। अभी गूंथने के बाद कैसा दिखेगा वो हम आपको बताएंगे। इसको आप जितना गूंथेंगे आपका रोटी उतना अच्छा फुलका होगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस हिसाब से इसका नरम रहेगा, कम से कम इतना नरम रहना चाहिए। आप जितना टाइट करेंगे उतना दिक्कत होगा, और ज्यादा गीला हो जाने पे बेलने में आपका दिक्कत होगा। तो ऐसे हम बना लिए हैं। अब इसको बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। मुझे नहीं पता ढकने से क्या होता है, लेकिन ढकने से रोटी अच्छा होता है। थोड़ा देर इसको रखते हैं। और इस आटे को जब आप ऐसे डॉ बनाते हैं, इंग्लिश में डॉ कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। सो जब ये डॉ बनाते हैं तो इसको आप जितना हो सके ऐसे गूंथिएगा, उतना आपका रोटी अच्छा होगा। तो हमने जो आटा गूंथा था वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे और अपने साइज हिसाब से गोल बना लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आप जो गोल बनाएंगे वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका तावा कितना बड़ा है, आप कितना बड़ा रोटी बना। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अपने हाथों में लेता हूँ और ऐसे सिर्फ तीन उंगलियों से जो भी कटता है इसी साइज का गोला बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से गोला बनाइए। गोला जितना बड़ा होगा या तो आपका रोटी मोटा हो जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा हो जाएगा कि तवे में आना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे गोल बना लेंगे। ऐसा बनाने से हमें बेलने में आसानी होती है। बेलन चौकी प्लेटफॉर्म एकदम रेडी है। ये खाना पकाना एक ऐसा स्किल है जो आई थिंक सभी को जानना चाहिए। आप कितना ऑर्डर कीजिएगा, है ना, और सबको अच्छा लगता है कि अच्छे फुलके रोटी बने। लड़के यूजुअली कभी कभी बनाते हैं जो सही नहीं हो पाता है और वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप देखिए, सीखिए कैसे हल्के फुलके रोटी फूले हुए आराम से बनते हैं। अब देखिए हमारा एक गोला रेडी है। ये थोड़ा सा हमने आटा ले लिया, ये हमारा प्लेटफॉर्म, बेलन चौकी, और अब हम इसको बेलना चालू करेंगे। हम आपको एक या दो बेल के दिखाएंगे और बाकी हम विदाउट वीडियो रिकॉर्डिंग के ही बेलेंगे। बहुत इजी है, आप हल्का सा आटा लगा लीजिए। और याद रखिए कि आपका ऑस्ट्रेलिया का मेक ना बन जाए, क्योंकि वैसे तो खाना सबको रोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ठीक से गोल नहीं होता है तो एक फीलिंग नहीं होती, बस वही। तो अगर कोई बंदा है जिसको गोल नहीं बनाना आता है, डोंट वरी गाइस, गाइस और गर्ल्स, आप जो भी हैं जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं रोटी बनाना, तो गोल नहीं भी हो तो भी चलता है खाने में, तो कहीं खाना बस बना के दूसरे। तो बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद मेरा ऐसा गोल रोटी बनना चालू हुआ। अभी भी तुम गोल तो नहीं निकलता। फर्स्ट टाइम मैंने जो रोटी बेला था, अगर वो आप देखते तो आपको शायद प्रोत्साहन मिलता कि हाँ भाई ऐसे भी होते हैं, एंड आपको शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन मिल जाता। मैं कोशिश करूँगा खोजने का वो फोटो जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और जो ऑस्ट्रेलिया का मैप बना था। तो अगर मिलता है तो मैं इस वीडियो के साथ इसको शेयर करूँगा आपको। तो भाई लोग, आटा बेलना कंप्लीट हो गया है। हम लोग ये तवा यूज करेंगे। ये तवा है प्रेस्टीज का, मेड इन इंडिया। ये इट्स लाइक अ नॉन स्टिकी पैन, बहुत अच्छा है। मैंने इसमें पहले भी बनाया है और अभी तो मैं इसको वीडियो के पर्पस से ये बना रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके पहले भी बनाया है। और दिस इज द बेस्ट यूटेंसिल टू मेक फुलका रोटी। अभी देखते हैं कैसे फुलका रोटी बनाना है। ठीक है, अभी हल्का सा गर्म हो गया, आप इसको बिठा दो, आग बड़ा कर लो, एंड यू नीड दिस काइंड ऑफ चिमटी, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हो तो सही है, क्योंकि आप हाथ से भी कर सकते हो, इट्स इजी। बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो और नहीं चाहते हो कि कोई भी
गर्माहट आपको लगे, सो यूज दिस. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस थिंग एंड मे बी द नेम इज ऑल्सो डिफरेंट हर एक लैंग्वेजेस में. हम लोग तो चिमटा कहते हैं, सो व्हाटएवर यू कॉल इट टेक इट. अभी एक चीज ख्याल कीजिएगा, ये आप देख रहे होंगे हल्का हल्का फूलने लगा है. जब भी ऐसा हो और आपको लगे कि हल्का हल्का बबल आ गया है दूसरे साइड पे, आप इसको चेंज कर दीजिए. ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हल्का सा व्हाइट लेयर जैसा हो गया है. वेरी गुड. एंड टू सेव सम ऑफ माय एनर्जी द गैस फ्यूम, व्हाट आई डू इज आई टेक दिस हैंडी, इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ, इसको लगा लेता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसको यहां रखता हूँ. सो आप देखिए ये मेरा फुल्का रेडी, यहां से गैस निकल रहा है. सो गैस को मैंने बंद कर दिया एंड माय फुल्का इज. मैं आपको एक दो और दिखाऊंगा. मेरा कैसरोल रेडी है, कैसरोल में रख दिया. कैसरोल में ये हमने खुद से बनाया है, तो ये ढक्कन है जिससे हम लोग ढक देते हैं. यहां फिर से दूसरा वाला रेडी हो गया है. देखिए आप बबल्स आ गए हैं. अपना इसको हल्का सा स्विफ्टली चेंज करता हूँ साइड. जैसा मैंने कि आपसे कहा, एनर्जी बचाने के लिए दूसरा वाला हैंडी मेरे हाथ में है. इसको मैं हल्का सा स्लाइड करता हूँ, इसको करता हूँ एंड आई पुट. अब देखिए दूसरा वाला भी मस्त फूल गया. जैसे लगता है बन बन गया है, बन. सो नाइस. यहां से निकाले और यहां डाले. अगेन आप ध्यान से देखिए कि कैसे चीजें होती है. और एक बात है कि जब तवा आपका बहुत गर्म हो जाए, आपको लगे कि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो आप गैस के नॉब को कम कर दीजिए. ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. फिर से फूल गया है. लेट मी मेक इट स्विफ्ट टू सेव माय एनर्जी. आई हैव द अदर बेल बेली वे आंटी के डो एंड आई स्लाइड इट. I put it here and this. See here, this is the third one on a row and this is also a good full cup. Okay. So, इस तरह से आप क्रस्टीज का ये वाला नॉन स्टिकी पैन लेके आप 100% फुलकेज बना सकते हो. आप बनाओ, लोगों को इम्प्रेस करो. मे बी योर गर्ल फ्रेंड, योर वाइफ, योर मदर, योर फादर और एनी फ्रेंड्स यू वॉन्ट टू ब्रिंग ओवर टू पार्टी. जैसे बनते हैं रोटी के साथ, चिकन का कोई भी डिश, और एंजॉय कीजिए. होपफुली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. खाने के ऐसे ही वीडियोज, मूवीज के रिव्यू, न्यूज़पेपर पे अपना व्यू पॉइंट, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग. डू फॉलो आवर चैनल DSP एंड कीप लर्निंग मैन. थैंक यू, बाय.